Even I'm wondering who the heroine is. ये तो आप सभी जानते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन ढूंढने और फाइनलाइज करने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत की गई थी। फिर भी बहुत लंबे समय तक इस फिल्म को हीरोइन नहीं मिली, बट फाइनली सामने आ गया दीपिका पादुकोण का नाम। दीपिका तो हो गई फाइनलाइज, लेकिन क्या आपको पता है कि हीरोइन के इस डिसीजन पर आते हुए SR के और फराह के बीच अपेरेंटली थोड़े डिफरेंसेस हो गए, और वो इसीलिए क्योंकि SRK के सजेशन के मुताबिक फेमस TV एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे वुड हैव सूटेड द रोल, बट फराह डिड नॉट अग्री। यहाँ तक कहा गया है कि अंकिता वॉज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड, लेकिन उनके TV बैकग्राउंड से होने के कारण उन्हें लास्ट मोमेंट पे रिप्लेस कर दिया गया। एंड अंकिता फील्स द सेम, एज शी कोट्स, आई डोंट नो व्हाई थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, आई थिंक देयर इज अ प्रेजुडिस अगेंस्ट TV एक्टर्स। वैसे इस बारे में जब हमने फराह से उनका वर्जन पूछा तो फराह का कहना था, शी हैड टेस्टेड फॉर द फिल्म एंड हर टेस्ट वॉज वेरी गुड ऑल्सो, हाउएवर वी हैडंट फाइनलाइज्ड एनीवन। अब फराह और अंकिता में से किसका कहना कितना सही है ये तो हमें पता नहीं, बट इस पूरे हीरोइन ड्रामा का एक कंक्लूजन तो निकला है कि फिल्म अंकिता के हाथ से निकल गई और दीपिका के हाथ चली गई। बेचारे SR के फराह को मनाते ही रह गए। मेरी कोशिश से क्या होता है? सही कहा SR के आपने, अब डायरेक्टर साहिबा के सामने किसका जोर चलता है। वैसे खबरें तो ये भी आ रही हैं कि क्योंकि अंकिता का नाम इस पूरे हीरोइन ड्रामा के दौरान लीक हो गया, इसीलिए फराह ने ये डिसीजन लिया। But this one's hard to believe. आखिर काफी बार प्रोजेक्ट्स के एक्टर्स का नाम मीडिया के सामने आ ही जाता है। Anyways, हम तो यही कहेंगे कि अंकिता's loss was दीपिका's gain. और चेन्नई एक्सप्रेस की कामयाबी के बाद we are hoping it will be a big gain. फकुनाल मांदेकर, Zoom, मुंबई।